एग्जांपल हमारी पृथ्वी है, वो अपनी धुरी पर घूमती है और कक्षा में भी चक्कर लगाती है। तो उसी प्रकार से यदि हम उसका उसकी स्थिति और उसका वेग दोनों कैलकुलेट करें और उस जगह पे हम उसका संवेग कैलकुलेट करते हैं, तो संवेग और उसकी स्थिति को यानी उसकी पोजीशन को एक साथ काउंट नहीं कर सकते। यही प्रिंसिपल हाइजेनबर्ग ने दिया कि जब कोई सूक्ष्म से सूक्ष्म कण यदि अपनी गति में मोशन करता है, इसी तरह से जैसे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन जैसे नाभिक के चारों ओर गति करता है, फॉर एग्जांपल ये परमाणु है, ये नाभिक है, ये सभी जानते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में भी गति करता है और अपनी धुरी पर भी गति करता है। जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर गति करती है, दो तरह के मोशन होते हैं पृथ्वी में भी, कि वो अपनी धुरी पर भी गति करती है और अपनी कक्षा में भी गति करती है। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी अपनी धुरी पर भी गति करता है और अपनी कक्षा में भी गति करता है। तो जब वो अपनी कक्षा में गति करता है तो उसमें एक संवेग उत्पन्न होता है, और यदि हम उसके संवेग और उसकी स्थिति, यानी मान लिया कि इलेक्ट्रॉन इस जगह पर है और तुरंत ही एक सेकेंड बाद वो अपनी पोजिशन चेंज कर देगा, वो इस जगह होगा, तुरंत ही अगले पर वो इस जगह होगा, तो हम यहाँ पर उसका संवेग ज्ञात करेंगे तब तक उसकी गति यहाँ पहुँच जाएगी, जब हम यहाँ ज्ञात करेंगे तो वो यहाँ, यानी उसकी गति के कारण जो संवेग उत्पन्न होता है उस संवेग और उसकी स्थिति को एक साथ निश्चित नहीं किया जा सकता। यही प्रिंसिपल जो है वो हाइजेनबर्ग ने दिया था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने डेल्टा एक्स जो है वो अनसर्टेनिटी पोजिशन यानी अनिश्चितता की स्थिति को माना, अनिश्चितता की स्थिति डेल्टा एक्स मानी और डेल्टा पी यानी संवेग मोमेंटम उसको मानते हैं। तो इन दोनों के बीच में इनको जब कैलकुलेट किया गया तो ये इसका जो मान है वो डेल्टा एक्स अपॉन 4π के इक्वल, नॉट इसके इक्वल भी है और नॉट इक्वल भी वो माना। तो इस तरीके से ये माना, ये इसका फॉर्मूला प्राप्त हुआ और इसकी वैल्यू प्राप्त हुई। तो ये तो हमारा छोटा सा टॉपिक था हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। अब इसके साथ ही हम एक चीज और समझते हैं, हम 9 से पढ़ते आ रहे हैं कि कक्ष और कक्षक, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स, इसमें सभी कंफ्यूज रहते हैं कि ऑर्बिट क्या है और ऑर्बिटल क्या है। तो ऑर्बिट, सबसे पहले हम कक्ष पढ़ते हैं। कक्ष का मीन्स होता है कि वो जगह या वो कक्षा या वो मार्ग जहाँ पर इलेक्ट्रॉन गति करता है नाभिक के चारों ओर। तो जितने भी ये कक्ष होते हैं ये सभी ऑर्बिट कहलाते हैं।